हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एई किचन्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट और इजी इवनिंग स्नैक्स लाई हूँ, जो कि स्पेशली किड्स को तो बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हम। इसके लिए हमें चाहिए मैगी, मीडियम साइज अनियन चॉप किया हुआ, थोड़े से स्वीट कॉर्न्स, शिमला मिर्च, यहां पर मैंने थोड़ी सी रेड कैप्सिकम शिमला मिर्च और थोड़ी सी यहां मैंने ग्रीन वाली ली है, ग्रीन चिल्लीज छोटी चॉप करी हुई, कोरिएंडर लीव्स, और साथ हमें चाहिए मोजरेला पिज्जा चीज। इसको मैंने ग्रेट नहीं किया, इस तरह से स्लाइसेस में कट किया है। बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए होगा 2-3 स्पून मैदा, ब्रेड क्रम्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना इसे। एक पैन में हम 2 टीस्पून ऑयल के लेंगे, इसमें हम अनियन ऐड करेंगे, थोड़े से अनियन कुक करने के बाद धीरे धीरे इसमें हम अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। ग्रीन चिल्ली, ग्रीन रेड कैप्सिकम, साथ ही कॉर्न्स। थोड़ा सा कुक होने के बाद अब हम इसमें मैगी ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स थोड़ी सी कुक हो चुकी हैं, अब हम इसमें मैगी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा वाटर, साथ ही मैगी मसाला। इसको हम थोड़ी देर ढक देंगे ताकि ये मैगी कुक हो जाए। मैगी बनकर रेडी है, इसमें हम थोड़े से कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देते हैं और इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। मैगी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसमें थोड़ा मैदा मिला देंगे ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। इस तरह से टू टीस्पून मैदे के इसमें मिला के थोड़ा सा हमने हाथों पे ऑयल लेना है। इस तरह से
इसमें हम चीज स्टफ करके इसको इस तरह से शेप दे देंगे। मैगी में हम चीज स्टफ करके जितने बॉल्स बनाने हैं उनको हम बना के रख लेंगे। इस तरह से हमने चीज स्टफ करके मैगी के रोल रेडी कर लेने हैं। और अब हम इसको ब्रेड क्रम्स में डाल के इस तरह से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर रैप कर देंगे। अच्छे से हर रोल के ऊपर इस तरह से ब्रेड क्रम्स हमने हर रोल के ऊपर कोट कर लेने हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई। घी ऑलरेडी मैंने गरम किया हुआ है। वन बाय वन अब ये इसमें गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको पेपर नैपकिन वाली प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। लीजिए, मैगी इवनिंग स्नैक्स बनकर रेडी हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं। तो ट्राई कीजिए आप भी अपने किड्स के लिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसे लगे। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट एक और न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।